देखो भाई, देखते ही देखते बहुत टाइम बीत चुका है गार्डन ऑफ बैनबैन 7 को, और आज एक नया पोस्ट रिलीज हुआ है जहाँ पर हम देख पाते हैं, वो लिखते हैं समथिंग न्यू इज कमिंग सून, और वो एक फोटो है, एक पोस्ट है जहाँ पर हम देख पाते हैं एक कैंडल है, पूरा बैकग्राउंड ब्लर है, कॉन्ट्रास्ट बड़ा हुआ है, जहाँ पर हम देख पाते हैं एक कैंडल और उसके पीछे हम देख पाते हैं एक फायर, और वहाँ पे लिखा हुआ है, उस पूरी पोस्ट पे लिखा हुआ है समथिंग न्यू इज कमिंग सून फ्राइडे 28 9 AM EST, तो यानी कि कल। सो आई डोंट नो कि ये लोग कल क्या रिलीज करने वाले हैं, लेकिन जहां पर हम देख पा रहे हैं इस चीज को, तो हम जानते हैं अभी तक कोई भी गार्डन ऑफ बैनबैन चैप्टर के लिए ये चीज टीज नहीं की गई है। आई मीन 1 से लेके 8 तक जितने भी आए हैं उन सभी में कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि जो उनका बैकग्राउंड होता है वहां पर हम देख पाते हैं कोई ना कोई कैरेक्टर जो कि बेस्ड होता है जीओबी गेम से, जैसे कि आप देख पाओगे 7 का टीजर या फिर उनका ट्रेलर, 6 का टीजर ट्रेलर या फिर जो भी है, ऐसे ही हम अब तक देखते आ रहे हैं जब भी गेम अनाउंस हुआ है या फिर जब भी कोई ना कोई टीजर आया है। लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं एक ऐसी फोटो जो कि हमने गार्डन ऑफ बैनबैन में कहीं नहीं देखी है। एक कैंडल, वहाँ पे एक फायर है, एक चेयर है और यू कैन से टेबल है, और पूरी फोटो में कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया हुआ है। वहीं पर हम देख पाते हैं एक ब्रांड न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स में। जी हाँ, ये चीज भी ध्यान देने वाली है। यहाँ पर बहुत लोग इसके फॉन्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि असल में ये वैसा नहीं है जैसा कि जीओबी के टाइम पे होता है, और वो जो सही भी है देखो, लेकिन फॉन्ट्स तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो यहाँ का बैकग्राउंड है वो भी एकदम डिफरेंट है, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है समथिंग न्यू इज कमिंग, तो यानी कि न्यू यानी कि नया, कोई ऐसी चीज जो कि हमने अब तक नहीं देखी हो। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज निकल के आती है, वो है यूफोरिक ब्रदर्स का एक ब्रांड न्यू गेम। जी हाँ, अब वो गेम कौन सा होने वाला है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीओबी से ही बेस्ड होगा, क्योंकि हम देख पाते हैं यहाँ पर जो उनका यूफोरिक पार्टनर्स प्रोग्राम है वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी गेम डेवलपर्स हैं या फिर डेवलपमेंट टीम से हैं वो असल में इस पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे साफ से लिखा गया है इफ यू हैव अ क्रिएटिव आइडिया फॉर अ गार्डन ऑफ बैनबैन स्पिन ऑफ गेम ऑफ एनी जॉनर एंड आर लुकिंग टू मेक इट कम टू लाइफ कमर्शियली वी आर सर्टेनली ओपन टू डिस्कस इट। यानी कि जीओबी का स्पिन ऑफ, जी हाँ, अब नो डाउट कि ये जीओबी का स्पिन ऑफ हो सकता है या फिर यूफोरिक ब्रदर्स का कोई और ही ब्रांड न्यू गेम हो सकता है, वो चीज तो हमें मालूम चलेगी कल ही। फिलहाल के लिए आज एक पोस्ट निकल के आई है जो कि असल में बहुत ज्यादा ही डिफरेंट है और बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। सो नो चांस कि ये कोई अनदर अनाउंसमेंट होगी जीओबी 8 से, नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है कि यहाँ पर हमें जीओबी 8 का कुछ नया ट्रेलर या फिर टीजर देखने को मिलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर साफ सीधे बात लिखा गया है समथिंग न्यू इज कमिंग, तो यानी कि कुछ नया आने वाला है इसी स्टूडियो से, हमें नया आने वाला है यूफोरिक ब्रदर्स से। अब वो गेम कौन सा है बस हमें वही देखना है, वो तो आने वाले टाइम में हम देख ही लेंगे क्योंकि कल ही आने वाला है गेम। कल मे बी अनाउंसमेंट आ सकती है या फिर कुछ नए गेम की इनकी टीजर आ सकता है, वो तो हमें कल ही मालूम चलेगा, अगर आएगा तो हम उसमें जरूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं, जो कि आप देख पा रहे हो सिर्फ एक पोस्ट आई है और जो भी मैं जान पाया हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, जस्ट कमेंट डाउन बिलो आपके क्या थॉट है इस गेम को लेके। बाकी आने वाले टाइम में 28 तारीख को हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ नया आने वाला है, फिर हम उस पर बात करेंगे आराम से। अगर आपको इंटरेस्ट है पापी प्ले टाइम चैप्टर 4 या फिर जीओबी की गेम्स में या फिर आपको इंटरेस्ट है लिटिल नाइटमेयर्स गेम प्ले में या फिर और भी ढेर सारे गेम प्लेज में, तो आप इस चैनल को एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। टिल देन, मैं वीके जल्दी मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, मजे करें, खुश रहें, देखते रहें। धन्यवाद।